वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। प्रयागराज के सोराव में एक टीचर को कुछ छात्रों और उसके परिजनों ने बुरी तरह से पीटा, गंभीर रूप से हुए घायल। इंटर कॉलेज में कैंप के दौरान शिक्षक ने कुछ छात्रों को छात्राओं को छेड़खानी से रोका था, इसके बाद दबंग छात्र शिक्षक पर ही टूट पड़े। छात्रों ने फोन करके परिजनों को बुला लिया, लाठी डंडे के साथ शिक्षक की बुरी तरह से पिटाई की गई, पुलिस ने मामला दर्ज किया। मथुरा में जमीन विवाद में मारपीट हुई, पुलिस की मौजूदगी में भिड़े लोग, पुलिसकर्मी बने रहे मूक दर्शक। 3 एकड़ जमीन से जुड़े विवाद में मारपीट के दौरान एक पिता ने खोया आपा, अपने ही मासूम बेटे को जमीन पर पटकने लगा, लोगों ने छीन कर बचाई उसकी जान। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच छिड़े घमासान में पुलिसकर्मियों ने खत्म किया धरना, करीब 10 घंटे तक पुलिस मुख्यालय पर धरने पर बैठे रहे पुलिसकर्मी। दिल्ली में पुलिसकर्मियों का धरना खत्म, लेकिन वकीलों की हड़ताल जारी, 30,000 कोर्ट में फायरिंग करने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी पर अड़े। दिल्ली के हालात पर हाईकोर्ट सख्त हुआ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन को भेजा नोटिस, आज होगी सुनवाई। सेंट्रल आईपीएस एसोसिएशन ने पास किया अपनी मांगों का प्रस्ताव, सभी दोषी वकीलों पर बार काउंसिल लाइसेंस रद्द करने की मांग रखी गई। सोमवार को साकेत कोर्ट के बाहर हुई हिंसा के मामले में FIR दर्ज, एक FIR वकीलों की धमकी को लेकर पुलिस ऑफिसर ने दर्ज कराई, दूसरी रॉड से पीटे जाने वाले टैक्सी ड्राइवर ने। वकील पुलिस विवाद में गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में दी याचिका, हाईकोर्ट के आदेश पर स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग। गृह मंत्रालय की मांग, 2 नवंबर के बाद की घटनाओं पर लागू न किया जाए हाईकोर्ट का आदेश। पूरे विवाद पर गृह मंत्रालय की प्रतिक्रिया, कहा सभी को न्यायिक जांच के परिणाम का करना चाहिए इंतजार, स्थिति पर है कड़ी नजर। अपनी करतूत छिपाना चाहते हैं वकील, मीडिया में पिटाई वाला वीडियो दिखाने पर प्रतिबंध की मांग की, हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश की अपील। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना, दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच छिड़े विवाद के निपटारे में गृह मंत्रालय को बताया फेल। पुलिस मुख्यालय के बाद इंडिया गेट पर भी किया गया प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों के परिजनों ने हाथों में कैंडल मार्च लेकर इंसाफ की मांग की। वकीलों के रवैये के खिलाफ सुबह से शाम तक धरने पर डटे रहे पुलिस वाले, आला अधिकारियों ने बार बार की धैर्य रखने की अपील। धरने पर बैठे पुलिस वालों को मनाने के लिए 5 बड़े ऑफिसर्स को सौंपी गई थी जिम्मेदारी, कामयाब रहे। धरने पर बैठे पुलिसकर्मियों की पुलिस कमिश्नर ने दिलाया इंसाफ का भरोसा, कहा हमारे लिए ये परीक्षा की घड़ी है। पुलिस कमिश्नर से नाराज हो गए पुलिसकर्मी, मुख्यालय के बाहर लगे नारे, हमारा कमिश्नर कैसा हो, किरण बेदी जैसा हो। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी की दिल्ली पुलिसकर्मियों को नसीहत, कहा अपने स्टैंड पर रहें कायम, 1988 में ऐसे ही हालात का दिया हवाला। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने किया ट्वीट, हमारा कर्म विधि सम्मत होगा, दिल्ली पुलिस का शीर्ष नेतृत्व आपके साथ है, मिलकर स्वाभिमान और जनसम्मान की रक्षा करते रहेंगे। पुलिस ऑफिसर्स ने प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों की कई मांगे मानी, हाईकोर्ट के आदेश पर दाखिल की जाएगी पुनर्विचार याचिका। वकीलों से झड़प के मामले में पुलिसकर्मियों को मिलेगा ₹25,000 का मुआवजा। 4 नवंबर की घटना पर साकेत कोर्ट में दर्ज FIR, उचित कानूनी कार्रवाई का दिया गया है भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के प्रमुख सचिवों को किया है तलब। दिल्ली में ऑड इवन का आज तीसरा दिन, आज सड़कों पर सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियों को मंजूरी। दिल्ली में ऑड इवन के दूसरे दिन कल काटे गए 562 चालान, सोमवार को 271 चालान कटे थे। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को NGT की कड़ी फटकार, तुरंत एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अभी भी प्रदूषण काफी है, लेकिन मंगलवार से आबोहवा में हो रहा है सुधार। दिल्ली नगर निगम ने एंटी स्मॉग गन का ट्रायल किया, करीब 100 मीटर तक पानी की बौछार करने की है क्षमता। एंटी स्मॉग गन के इस्तेमाल से सीमित क्षेत्र में प्रदूषण से मिलती है फौरी राहत, रिमोट से चलने वाली इस गन के लिए टैंकर से पानी की सप्लाई की जाती है। मेरठ के बीजेपी नेता विनीत शारदा ने प्रदूषण को लेकर पाकिस्तान पर फोड़ा टीकरा, कहा कृष्ण अर्जुन की जोड़ी का हुआ पुनर्जन्म, पाकिस्तान का होगा अंत। ये जो जहरीली हवा आ रही है, जहरीली गैस ये आई है, ये हो सकता है किसी बगल के मुल्क ने छोड़ी हो जो हमसे घबराया होगा, मुझे लगता है पाकिस्तान। प्रदूषण से जहरीली हुई लखनऊ की आबोहवा, बांटे गए मास्क। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, अमित शाह के बाद कल नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले देवेंद्र फडणवीस, 1 घंटे तक चली बातचीत। शिवसेना ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखा खत, गतिरोध दूर करने के लिए नितिन गडकरी को मध्यस्थता की जिम्मेदारी सौंपने की मांग।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी शिवसेना की सरकार बनाने में विफल रहने पर एनडीए से बाहर विकल्प तलाश सकती है शिवसेना, एनसीपी के साथ मिलकर बना सकती है सरकार। बीजेपी भी शिवसेना से इतर विकल्प पर नहीं खोल रही है अपने पत्ते, बीजेपी को शिवसेना की पहल का इंतजार। सरकार बनाने को लेकर मुंबई में बीजेपी कोर कमेटी की कल बैठक हुई, फडणवीस पर पूरी पार्टी ने जताया भरोसा, आज दोपहर 1 बजे फिर होगी बैठक। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार ने कहा, हम जल्द सरकार बनाने को तैयार हैं, शिवसेना फैसला करे। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का दावा, सरकार को लेकर शिवसेना ने नहीं दिया कोई प्रस्ताव। बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने देरी के लिए शिवसेना को दोषी ठहराया, कहा विकल्प खुले होने की बात कहकर शिवसेना ने गलती की, हम साथ मिलकर लड़े हैं चुनाव। शिवसेना के मुखपत्र सामना में सरकार बनाने को लेकर अहम बयान, कहा महाराष्ट्र में ही सुलझेगा महाराष्ट्र का मसला। एनसीपी और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाया। राज्यपाल से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल, एनसीपी नेता अजीत पवार, एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोराट, कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान भी शामिल थे। एनसीपी नेता अजीत पवार ने उठाया महाराष्ट्र में बारिश से बदहाल हुए किसानों का मुद्दा, कहा सोयाबीन बाजरा अंगूर के किसानों को भारी नुकसान हुआ। अजीत पवार ने बारिश से बर्बादी पर भी प्रति हेक्टेयर 50,000 मुआवजे की मांग की है, राज्यपाल से दखल की मांग। महाराष्ट्र में फसल बर्बाद होने से खुदकुशी को लेकर मजबूर हैं किसान, 31 अक्टूबर से अब तक 5 किसानों ने दी है जान। सीएम पद पर रस्साकसी के बीच 4 जिलों के दौरे पर निकले उद्धव ठाकरे, लातूर में किसानों का जाना दुख दर्द। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम, 7 आतंकवादियों की घुसपैठ पर बोले डीजीपी, नहीं मिली ऐसी कोई सूचना। हमारे पास कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं आया है, यद्यपि हम सेंट्रल एजेंसी से हमेशा संपर्क में हैं और हमने अपने भी इंटेलिजेंस मशीनरी को गियर अप किया है। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव भड़काने की मंशा रखने वालों को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का सख्त संदेश, कहा ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए फैजाबाद पुलिस ने 16,000 स्वयंसेवकों की तैनाती की। अयोध्या में सुरक्षा के लिए बनाया गया 4 रंगों वाला सुरक्षा घेरा, रेड येलो ग्रीन और ब्लू सुरक्षा घेरा तैयार, करीब 800 स्कूलों में ठहराए जाएंगे सुरक्षाकर्मी। रेड सुरक्षा घेरे में विवाद स्थल, येलो सुरक्षा घेरे में अयोध्या की 5 मील की परिधि, ग्रीन सुरक्षा घेरे में 14 मील का क्षेत्र, अयोध्या के आसपास के जिलों में होगा ब्लू सुरक्षा पहरा। अयोध्या में रेड और येलो सुरक्षा घेरे की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई, जबकि येलो और ब्लू सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर। नेपाल के रास्ते से आतंकी घुसपैठ को लेकर सतर्क हुआ गोरखपुर प्रशासन, एटीएस के साथ अन्य दस्ते अलर्ट पर। सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर यूपी के रामपुर में पुलिस लाइंस में बैठक हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों से जुड़े लोग शामिल हुए। अयोध्या विवाद में फैसले से पहले मेरठ में 200 लोगों को किया गया चिन्हित, कुछ लोग किए जा सकते हैं पुलिस नजर बंद, ड्रोन से हो रही है निगरानी। फरुखाबाद में भी सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। वाराणसी में भी अमन और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने हिंदू और मुसलमानों के साथ बैठक की। यूपी के महोबा में हुई अधिकारियों की हाई लेवल बैठक, शांति बनाए रखने को लेकर मंथन किया गया। अयोध्या विवाद में फैसले के मद्देनजर एमपी के आगरमालवा में सुरक्षा इंतजाम सख्त हुए, डीएम ने सीसीटीवी लगाए जाने का आदेश दिया, धारा 144 लागू, डीजे बैंड पर भी प्रतिबंध। अयोध्या विवाद में फैसले को लेकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में धारा 144 लागू। करतारपुर कॉरिडोर पर गरमाई सियासत, कांग्रेस नेता हरपाल सिंह ने लगवाए पोस्टर, सिद्धू और इमरान खान को बताया इसका हीरो। सिद्धू इमरान के साथ साथ पोस्टर लगने के बाद बीजेपी ने किया पलटवार, सिद्धू को बताया आईएसआई का एजेंट। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर 9 नवंबर को पीएम मोदी डेरा नानक साहब में करेंगे करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन, तैयार किया जा रहा है हेलीपैड। डेरा बाबा नानक में अलग अलग 9 हेलीपैड्स बनाए जा रहे हैं, इन पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति और पंजाब के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे। प्रकाश पर्व मनाने के लिए अटारी बॉर्डर के रास्ते 1300 श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना, 10 दिनों के बाद होगी वापसी। यूपी के हापुड़ में गरमाया एक युवती के प्रेम विवाह का मुद्दा, पुलिस की कार्रवाई से खफा संघ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने थाने में दिया धरना। यूपी के बरेली में एक युवक की हत्या कर खेत में जलाया गया शव, नहीं हो पाई शिनाख्त। राजस्थान के करौली में शादी समारोह के दौरान प्रदूषित भोजन से 24 लोग बीमार हुए, अस्पताल में कराए गए भर्ती। मुंबई के मलाड में परमार हाउस में भीषण आग लगी, लाखों का नुकसान। उत्तराखंड के विकासनगर में इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे गोदाम में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान।
इंदौर में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक निगम कर्मियों के साथ भिड़े, जन्मदिन पर लगाए गए पोस्टर्स को हटाने पर हुआ विवाद। लखनऊ में 8 लग्जरी कारों की चोरी, कनक कार बाजार से चोरों ने गाड़ियां चुराई। कानपुर में लोगों पर दोहरी मार, प्रदूषण के साथ डेंगू का भी कहर। अब तक डेंगू से पीड़ित 40 मरीज अस्पताल में भर्ती, गोद में महिला को अस्पताल ले जाता हुआ नजर आया एक शख्स। अलीगढ़ में लगी पुरानी करेंसी की प्रदर्शनी, मौर्य, मुगल, दिल्ली सल्तनत और निजाम हैदराबादी के सिक्कों का प्रदर्शन किया गया। गुलबर्गी में 40 साल के ठेकेदार की हत्या, तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। चेन्नई में एक एयरक्राफ्ट से 5.5 किलो से ज्यादा सोना बरामद, कस्टम विभाग ने कार्रवाई की। कोयम्बटूर में भीड़ के हत्थे चढ़ा झपटमार, हुई पिटाई, महिला से छीनी थी चेन। ओडिशा के प्रदीप में हादसा हुआ, समंदर में डूबी मछुआरों की नौका, 6 लोग सवार थे। लुधियाना में शराब कारोबारियों पर कसा गया शिकंजा, सीबीआई ने की छापेमारी। स्थानीय निवासियों ने के लिए खुला रोहतांग दर्रा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सफर की परमिशन। यूपी के बाराबंकी में 0.5 किलो मछली के विवाद में हुई हत्या, छोटे भाई पर बड़े भाई की हत्या का आरोप। सीहोर में दिखा हैरान कर देने वाला दृश्य, करंट से घायल होने के बाद बंदर को एक दूसरा बंदर उठाकर पहुंचा अस्पताल, लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान। कुल्लू में बर्फबारी में फंसी गाड़ियों का वीडियो सामने आया, 1 नवंबर को जमकर हुई थी बर्फबारी। वडोदरा में दर्जीप्रा एयरफोर्स कॉलोनी में दिखाई दिया मगरमच्छ, लोगों ने जोखिम उठाकर पकड़ा। मुंबई के बोरीवली में 10 फीट लंबे अजगर को किया गया रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के बर्धवान में बीजेपी दफ्तर में लगाई गई आग, कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर किया प्रदर्शन। योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कांग्रेस की विचारधारा को पाकिस्तान परस बताया, प्रियंका गांधी पर किया वार। करनाल के फरीदपुर गांव में खुदाई के दौरान मिली प्राचीन मूर्तियां और शिवलिंग। उत्तराखंड के टेहरी पहुंची उमा भारती, गंगा आरती की तस्वीरें सामने आई। राजस्थान की सिरोही में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 9 घायल हुए। सिरसा में किसानों के समर्थन में आगे आए INLD, किसानों पर दर्ज FIR का किया विरोध। ओडिशा के भद्रक में छेड़खानी पर पिटे युवक, भीड़ ने घुटनों पर चलवाकर मंगवाई माफी। मोतिहारी में बेटी के ससुराल पहुंचे पिता की हुई हत्या, बेटी का विवाह सुलझाने पहुंचा था पिता। वेस्ट गोदावरी में एक वॉचमैन को किया गया गिरफ्तार, 10 हत्याओं का है आरोपी। चित्रदुर्ग में खराब मिड डे मील से 50 बच्चों की बिगड़ी सेहत, पेट में दर्द की शिकायत। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।